गुजरात के उन इलाकों में जहां जनजातीय समुदायों की समृद्ध संस्कृति उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, भील सेवा मंडल एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। इस संगठन की शुरुआत आजादी से पहले समाज सुधारक ठक्कर बापा ने की थी। ये संस्था आश्रम शालाएं यानी आवासीय स्कूल चलाती है, जो जनजातीय बच्चों को शिक्षा देकर उनके विकास में मदद करती है। जनजातीय बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इस स्कॉलरशिप की मदद से छात्रों को न केवल उनकी फीस बल्कि किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी चीजें भी मिलती हैं। इससे स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ी है और जनजातीय परिवारों में नई उम्मीद जगी है। इन स्कूलों में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने, व्यवसायिक कौशल और डिजिटल शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। इन स्कूलों में 10वीं की परीक्षा का परिणाम 100% रहता है, जो दर्शाता है कि यहाँ के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। भीलसेवा मंडल ऐसी छोटी मोटी 60 संस्था चलाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं ऐसी 20 आश्रम शाला हम चलाते हैं और करीब 15,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में रहते हैं और पढ़ते हैं। भीलसेवा मंडल की ये संस्थाओं की वजह से राजस्थान, MP और ये बॉर्डर के एरिया में जो शिक्षा का दर है, वो शिक्षा का दर इसलिए बढ़ा है कि ये संस्था का यहाँ रहने का और खाने पीने का और पढ़ने का दोनों की सुविधा मिलती है। जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, जो खेत मजदूरी करते हैं, जिनका कोई यहाँ मिलता नहीं है और बाहर मजदूरी जाते हैं, उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं सरकार की योजना से। यहाँ हमारा गामना छोकरा वो बनीने गया छे, बनीने गया छे, शिक्षक डॉक्टर वगैरह बनिया छे, એટલે મને મારા પપ્પા મમ્મી પપ્પાએ મને અહીંયા ભણવા મૂકી છે અને મને અહીંયા રહેવાની અને સુવાની બધી સુવિધા મળે છે, એટલે મને અહીંયા સારું લાગે છે। મને શિક્ષકો પણ સારું ભણાવે છે અને સ્માર્ટ બોર્ડમાં બી ભણાવે છે, મને સારું લાગે છે। एक छोटे से जनजातीय किसान जग्गा भाई डामोर मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप की मदद से अपने पोते विक्रम का दाखिला सुखसर गांव के करुणा आश्रम शाला में करवा सके। उन्हें उम्मीद है कि इससे उनके परिवार की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने देखा है कि कैसे इस पहल से कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। તો વરુણ આશ્રમમાં હું ભણું છું, સારું સુવિધા બધી મફત મળે છે, એટલે મોટો થઈને હું ત્યાં મોટો અધિકાર બનવા માગું છું। મારો છોકરો વરુણ આશ્રમમાં ભણે છે, એમાંથી હું ખાવા પીવાનું બધું બી મળી રહે છે। વરુણ આશ્રમમાં એવી સુખતા મળી રહે છે, સરકાર તરફથી કોઈ બી ગમે તે પણ મફત બી મળી રહે છે, ખાવા પીવાની સગવડ બી ત્યાં મળી રહે છે। सरकार की मदद से भील सेवा मंडल जनजातीय समूह के बच्चों को न केवल अच्छी शिक्षा दे रहा है बल्कि उनकी संस्कृति को भी सहेज रहा है। इससे इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है और जनजातीय समुदाय का विकास भी हो रहा है।